मेरे लिए शर्तें लगाई जाती थी कि ना तो ये वेट कम करेगी ना ये लाइफ में कुछ बनेगी। लोगों के बीच में बड़ा शर्मिंदगी फील कराई जाती थी, इसको फटाफट यहाँ से निकालो क्योंकि ये ओवरवेट हो जाएगी, इससे ज़्यादा फिर तो इसको कोई भी नहीं मिलना। पूरे दिन रोती थी, गुस्से में बहुत ज़्यादा रहती थी, वेट करती थी कि कोई एक मिरेकल हो जाएगा ज़िंदगी में और ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। डिवोर्स के पेपर जिस दिन आए उसके अगले दिन भी मैंने डाइट करी। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है सुमन पहूजा, मैं सोशल मीडिया पे सुमन सनशाइन के नाम से जानी जाती हूँ और मैं एक फिटनेस यूट्यूबर हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट। मैंने अपना खुद का वज़न 98 किलो से 57 तक किया है और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फिटनेस जर्नी शेयर करूँगी। मेरे फादर ने मुझे बचपन से ही पब्लिक अपेयरेंस नहीं दी, जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा मोटू बच्चा एंड चबी बच्चा रही हूँ। जब तक मैं अनमैरिड थी, अपने पेरेंट्स के पास थी, तब तक मैंने अपने फादर के सामने कभी खाना नहीं खाया। मैं उनसे इतना डरती थी कि अगर उन्होंने मुझे खाना खाते देख लिया तो अभी मेरे घर पे लड़ाइयाँ शुरू हो जानी हैं। जैसे जैसे मेरा एज बढ़ा, 8th standard, 9th standard, मेरा वेट एकदम से शूट अप हुआ, एकदम हाइप पे शूट हुआ। एंड उन्होंने इस चक्कर में आके मेरी एक 7 साल बड़े लड़के से शादी करा दी गई। वो फर्स्ट ही लड़का मेरे लिए आया था रिश्ता, एंड वो फर्स्ट रिश्ता ही बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे, बिना मुझे उससे मिल के टाइम दिए बिना मुझे ये बोलकर मेरी शादी करा दी गई थी कि मैं आज इतने वेट की हूँ, मेरी तनख्वाह 12,000 है, इसको फटाफट यहाँ से निकालो क्योंकि ये ओवरवेट हो जाएगी, इससे ज़्यादा फिर तो इसको कोई भी नहीं मिलना। फ्रॉम द फर्स्ट डे मेरी बॉडी शेमिंग इतनी ज़्यादा हुई बिकॉज नो डाउट माय एक्स हस्बैंड ही इज़ वेरी हैंडसम। मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरे साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने से इसलिए मना किया क्योंकि मैं उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाती थी, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक नहीं थी। अकॉर्डिंग टू हिम आई वॉज ब्लैक, फेस विथ फुल ऑफ एक्ने, मेरी हाइट बहुत छोटी बताई गई थी उनके हिसाब से, एंड मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ मैं PCOD पेशेंट थी। मुझे जो मंथली साइकिल्स हैं, माई पीरियड्स 1 साल में 2 बार आते थे। PCOD होने की वजह से एक तो मेरा वेट एकदम हाइप पे जा रहा था, बिल्कुल बढ़ता जा रहा था। फेस पे एक्ने, ह्यूज एक्ने फेस पे, ये जो मेरी स्किन थी ये बिल्कुल ब्लैक थी, ये पूरे एरिया में इतना ज़्यादा बाल था, मेरा अनवांटेड हेयर था जो कि ये स्किन मेरी ब्लू दिखती थी। मेरा जो वेट था वो मैक्सिमम शूट अप हुआ है 98 किलो 700 ग्राम्स आफ्टर माय मैरिज, एंड वो एक एक बेल था मेरे लिए कि यहाँ पे मुझे 3 नंबर के वेट में नहीं जाना, मतलब मुझे 100+ नहीं होना। मेरी मदर ने मुझे बोला कि बेटा 10 किलो 11 किलो कुछ तो कम कर लो ताकि तुम कंसीव कर सको, तुम सामने वाले को खुश कर सको। सो मुझे लगा कि ठीक है जी, अगर इस चीज़ से सॉल्यूशन है, मैंने अपनी ईगो सब चीज़ें साइड रखी और मैंने अपनी डाइट पे काम करना स्टार्ट किया। अब किसी तरीके से भी अगर हम किसी से डाइट लेने चाहते हैं उसके लिए चाहिए हमें पैसे। पैसे मेरे पास नहीं थे, जो मैं सोशल मीडिया और यूट्यूब से डाइट्स देख रही थी उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और मुझे कोई एक पर्सन चाहिए था जो मुझे डाइट करा दे। अब मेरे पास जो एंड में बचता है वो बचता है शादी की गोल्ड की ज्वेलरी। उस ज्वेलरी को मैंने लोन पे रखा, वहाँ से पैसे लिए और मैंने डाइटिशियंस को, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी, पे करे। अब वो लोग सिर्फ सिस्टम सुनते थे, आपको ये बीमारी है, ये पकड़ो डाइट चार्ट, आप फॉलो कर लो। वो मैं लेके घर आती थी और मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता था, मैं डाइट चार्ट लेके आई, मैं खोल के भी नहीं देखती थी कि वो लिखा क्या है, मुझे करना क्या है। फिर मैं किसी और के पास जाती थी, एक और स्ट्रेस आया। सबसे बड़ी चीज़ आई डिवोर्स के पेपर। डिवोर्स के पेपर जिस दिन आए उसके अगले दिन भी मैंने डाइट करी। मैं रो रही थी, मैं बहुत ही गिड़गिड़ा रही थी, मैं बेगर की तरह बैठी थी अपने एक्स हस्बैंड के सामने कि डिवोर्स पेपर वापस ले लो, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। बट ऑन द अदर हैंड पीछे बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता था कि वेट गेन हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से गिरा है और गेन हो जाएगा, बट चीज़ें ठीक नहीं थी। सुबह उठ जाती हूँ 7 और 7:30 के बीच में, एंड मॉर्निंग में उठते ही मैं अपना सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ जिसमें मैं प्रेफर करती हूँ वेजिटेबल जूसेस या फिर फ्रूट जूसेस विद अ स्पून ऑफ चिया सीड और फ्लेक्स सीड्स। मेरा नाश्ता बहुत ही हैवी रहता है जिसके अंदर मैं प्रेफर करती हूँ परांठे, वाइट बटर
एंड परांठे भी मेरे जो होते हैं वो मल्टीग्रेन होते हैं. मैं वीट का परांठा कम खाती हूँ, मैं मल्टीग्रेन परांठा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. साथ में कोई भी एक होममेड चटनी, घर की बनी हुई, सिलवट्टे पे बनी हुई चटनी मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. घर पे अच्छे से होममेड चटनी, बहुत वेराइटीज़ ऑफ चटनी मैं बनाती हूँ अपने लिए. साथ में कोई भी एक सीजनल सब्ज़ी हो गई और आधा कप मेरा चाय. मेरा लंच का जो टाइमिंग होता है वो 12:30 और 1 o'clock के बीच में होता है, जिसमें मैं प्रेफर करती हूँ राइस, किनुआ, बार्ले का दलिया, मिलेट्स, उसके साथ में दाल लेती हूँ या फिर एक ड्राई सब्ज़ी. ये मेरा एक गुड टू गो लंच होता है. साथ में सैलड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो मैं कोई भी सीजनल सैलड लेती हूँ. बीटरूट हो गया, कुकम्बर हो गया, आनियन एंड टमाटोज़ का. सो इवनिंग में मैं कोई भी ना एक फ्लेवर टी लेती हूँ, या तो हो गया मेरा लेमन ग्रास टी हो गया, या मेरी रोज़ पेटल की टी हो गई, जीरा वाला पानी हो गया, या कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब से रिलेटेड वाटर मैं लेती हूँ. साथ में या तो मैं नट्स ले लेती हूँ सोक्ड, या फिर होममेड कोई भी लड्डू जो भी सीज़न के हिसाब से मैं बना के रखती हूँ. उसके बाद डिनर जो मेरा होता है वो 6:30 और 7 के बीच में मैं ले लेती हूँ. अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा काम काज है, बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, देन मैं एक चपाती प्रेफर करती हूँ ड्राई सब्ज़ी के साथ. नहीं तो समटाइम्स मैं ग्रिल चिकन ले लेती हूँ रात को, 200 ग्राम ग्रिल चिकन या 250 ग्राम, या फिर मैं पनीर की कोई भी सलाद बना के ले लेती हूँ. और रात का जो मेरा एंड का ड्रिंक होता है उसके साथ मैं थोड़ा सा गुड़ लेती हूँ, और रात को सोने से पहले मैं एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डेफिनेटली अपनी बॉडी में डालकर ही सोती हूँ. मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखती थी, यूट्यूबर्स को देखती थी, क्योंकि मैं वहीं से डाइट कभी कभार पिक करती थी, कुछ वर्क करती थी कुछ नहीं करती थी. मुझे लगा ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, एंड मैंने जस्ट एक रैंडम वीडियो बनाकर बिना किसी की हेल्प से वो पोस्ट कर दी अपना खुद का चैनल बना के. एंड टच वुड बाय द गॉड ग्रेस वो वीडियो मेरा एकदम वायरल हुआ. उसके बाद मुझे डेली बेसिस पे बहुत सारे ईमेल्स आते थे कि हमने इतना लूज़ करा, ऐसे लूज़ करा, ये ड्रिंक नहीं चली, वो ड्रिंक नहीं चली, उसका ऑल्टरनेट क्या था, उसका सब्स्टिट्यूट क्या था. तो मैं वहाँ पे मेल्स पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों को हेल्प करती थी. लोग मुझे देख के पूछते थे तुमने क्या किया कि तुम्हारा वेट लॉस हो गया, तो मैं उन्हें बताती थी मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ये इस टाइप का आटा खा रही हूँ, मैं इतने बजे सो रही हूँ, मैं ऐसे पानी पी रही हूँ. तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हिट किया और हेल्प किया. फिर धीरे 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 जैसे ही डिवोर्स डल गया, और मुझे ये चीज़ था कि मेरे जो डिवोर्स डल रहा है यहाँ पे मेरी एक लाइफ ख़त्म हो रही है, वहाँ पे मेरी एक नई लाइफ जन्म ले रही है विच इज़ माई फिटनेस करियर. मेजरली मेरा जो वेट लॉस हुआ है दिस इज 110% बाय आर डाइट ओनली, नॉट विद द हेल्प ऑफ जिमिंग. बट येस, मेरी बॉडी टोनिंग में, बॉडी शेप करने में मुझे जिमिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा है. जो 98 किलोज़ वाली सुमन थी वो थी मेजर PCOD पेशेंट, मेजर प्री डायबिटिक, प्री थायराइड, एनजाइटी की पिल्स लेती थी, स्लीपिंग पिल्स लेती थी, पूरे दिन रोती थी, गुस्से में बहुत ज़्यादा रहती थी, और दूसरों को फुल ऑन इम्पॉर्टेंस देती थी, एंड सिर्फ बैठ के खाना बनाती थी और वेट करती थी कि कोई एक मिरेकल हो जाएगा ज़िंदगी में और ज़िंदगी ठीक हो जाएगी. आज मैं बात करूँ ये फैट लड़की से, फिट लड़की जो आज 60 किलोज पे बैठी है, सुमन बोल्ड, अपनी लाइफ जीने वाली, जीरो मेडिकल इश्यूज, लोगों को हेल्प करने वाली. करियर वाइज आई एम डूइंग वेरी गुड, टच वुड, एंड मैं हर चीज़ पहले खुद को प्रियोरिटी लेकर चलती हूँ कि पहले मैं ठीक हूँ, बाद में सेकेंडरी कोई पर्सन है. स्ट्रेस मैं मेरी लाइफ में है बट मैं लेती बिल्कुल भी नहीं हूँ. सो ये फैट से लेके फिट तक की सुमन में ना टोटली चेंज है, टोटली चेंज. ये बिल्कुल एक रीन्यू सुमन है जो कि कहाँ से आई है, सिर्फ फिट होके आई है.